मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के पीएचई कॉलोनी में प्लॉट पर कब्जा को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दिन दहाड़े एक दूसरे पर फायरिंग करने से इलाके में दहशत फैल गई। चर्चा है कि यह फायरिंग की घटना प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया के समर्थक रहे ब्रजकिशोर शर्मा और प्रद्युम्न तोमर के समर्थक साकेत सैगर के बीच हुई है। दोनों ही पक्ष एक प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। दोनों बीजेपी के समर्थक हैं और एक पूर्व मंत्री तथा एक वर्तमान मंत्री का नजदीकी बताया गया है। पता चला है कि पीएचई कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर इन दोनों में काफ़ी लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। बुधवार को दोपहर में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों ही गुट के लोग हाथों में बंदूकें और दूसरे असले लिए हुए थे। बात मुंहवा से शुरू हुई जो बाद में गाली गलौच और फायरिंग में बदल गई। दिन दहाड़े फायरिंग होने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। बाद में किसी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी देवधर हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोनों ही पक्ष प्रभावशाली होने के कारण पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्या नाम आपका? मेरा पंकज चौहान। पंकज, क्या हुआ था? ये सर, एक महिला थी, विधवा महिला, उनका ये प्लॉट था। उनने क्या है, हम लोगों को देने के लिए तैयार थी, हम लोगों ने उनको एडवांस भी दिया है। तो क्या है, ये जो ब्रजकिशोर शर्मा जी हैं, इन्होंने फुल तैयारी से कल से ही अपने कुछ पारिवारिक कुछ और इनने आपराधिक गुंडे बुलाए। जब हम लोगों ने प्यार से बातें की हैं, समझाया इनको, ये लोग नहीं माने हैं। इनने फिर हम लोगों में धक्का मुक्की की है और इनने 315 से हम लोगों पर फायर किए हैं और हम लोग जान बचा कर भागे हैं। हमारी कॉलोनी की महिलाओं पर भी इनने गोलियाँ चलाई हैं, बाकायदा घर में गोलियाँ चली हैं हमारे। जबरदस्ती कब्जा सर। कितने लोग हैं फायरिंग में? इतने लोग सर, इनके तरफ से फायरिंग में करीबन होंगे 40 से 50 लोग। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को जान बचाई है? हम लोगों ने सर अपनी भाग भाग के जाने बचाई हैं। तो क्या चाहते हो आप लोग? सर, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। 20x20 का जो 20x40 का प्लॉट है, इनने बीजेपी शासन में 200x200 को कर लिया। हर चीज़ को यानी घेरते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। तो साहब, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? क्या नाम है इनका? ब्रजकिशोर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा और उनके पारिवारिक लोग हैं। अच्छा। और खुद पुलिस प्रशासन से जब उनने बंदूक पुलिस प्रशासन ने छुड़ाई है, तो उन्होंने खुद पुलिस प्रशासन से बंदूक जब उन्होंने छुड़ा के अपने घर में उसके बाद तुरंत लेके भाग। ये पीएचई कॉलोनी की घटना है, लगभग 11:30 बजे की। कोई ब्रजकिशोर शर्मा है, वो प्लॉट बना रहे थे, तो पड़ोस वालों का कहना है कि ये सरकारी जगह है या शर्मा डेयरी की जगह है, तो उन्होंने शायद गए होंगे मना करने के लिए। इसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ है और फायरिंग वाली बात दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि फायरिंग हुई है। उसकी जांच चल रही है कि किसने फायरिंग की है, उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो भी सामने आया है? हाँ, एक वीडियो आया है फायरिंग का, अभी उसमें कौन है वो तस्दीक करना शेष है और कंप्लेंट करने भी कोई नहीं आया है, तो तस्दीक के बाद में उचित